हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शरफ खान, आपका दोस्त और चैनल का होस्ट। तो आज मैं बात करूंगा सैमसंग गैलेक्सी M21 फ़ोन के बारे में, जो कि आज सैमसंग ने ऑफिशियली लॉन्च कर दिया है। ओके, 12 बजे आज लॉन्च तो हुआ था ये फ़ोन। तो इस फ़ोन के बारे में आज हम बात करेंगे। तो जैसे मैं फ़ोन्स के रिलेटेड वीडियोज़ डालता हूँ, आप सबको मुझे मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं। तो यदि वीडियो को भी लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कीजिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं इस फ़ोन के बारे में। तो फोन से मैं इस फ़ोन के अंदर मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी लगी, जो कि मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले इस फ़ोन के बारे में बात करते हैं। इस फ़ोन में जो डिज़ाइन की बात करता हूँ मैं, डिज़ाइन इसके अंदर दिया गया है, जो डिज़ाइन इसके अंदर पीछे आपको बैक मिलेगा वो प्लास्टिक का मिलेगा, और जो फ्रेम है वो भी इसका प्लास्टिक। कोरिंग गोरिल्ला ग्लास 3 की इसके अंदर प्रोटेक्शन मिल जाएगी आपको, और उसका साइज़ जो मिलेगा 6.4 एमोलेड सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ मिलेगा। ये सबसे अच्छी चीज़ डाली गई है इसके अंदर, सुपर एमोलेड। जैसे कि आप सबको पता ही होगा सुपर एमोलेड डिस्प्ले और IPS डिस्प्ले में कितना ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि कलर उसके अंदर ज़्यादा इनहेंस होते हैं और ब्राइटनेस और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सुपर एमोलेड के अंदर बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होती है। ओके, सो ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले इसके अंदर डाली गई है 6.4 इंच की, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया 6.4 इंच की डिस्प्ले इसकी। सो बात करता हूँ उसके अंदर जो कैमरा दिया गया है, जो ट्रिपल रियर फेसिंग कैमरा दिया गया है, एंड इसके अंदर जो 48 मेगापिक्सल का कैमरा दिया गया है, जो सेटअप है 48 मेगापिक्सल है +8 है +5। ओके, ये इसके अंदर कैमरा सेटअप दिया गया है, और फ्रेश जो सेल्फी दी गई है वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले साथ दी गई है, जैसे कि आप देख भी रहे होंगे। वाटर ड्रॉप नोज डिस्प्ले के साथ 20 मेगापिक्सल की इसके अंदर सेल्फी डाली गई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आपके फोटोज बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लिक करेगी। बात करता हूँ उसके अंदर बिल्ड जो बात करता हूँ उसके अंदर जो प्रोसेसर डाला गया है, प्रोसेसर जो डाला गया है सैमसंग ने हमेशा इंडिया के अंदर सैमसंग जो यूज़ करता है वो एक्साइनोस के प्रोसेसर यूज़ करता है। जो एक्साइनोस के प्रोसेसर के अंदर डाला गया है वो डाला गया है एक्साइनोस 9611, जो कि 10 नैनोमीटर पर काम करता है। जो प्रोसेसर भी ठीक ठाक ही डाला गया है, क्योंकि ये प्रोसेसर जो सैमसंग ज़्यादा यूज़ करता है वो 20 से 24 हज़ार के प्राइस सेगमेंट में प्रोसेसर यूज़ करता है, लेकिन इस प्रोसेसर को इन्होंने 12,000 की प्राइस सेगमेंट में डाला है। सो इसी से जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, जो इसका प्राइस दिया गया है वो 12,000 या 12,999 तक ये फ़ोन आज लॉन्च हुआ है, तो अभी ऑफिशियली आया नहीं, 12,000 की प्राइस सेगमेंट में जा सकते हैं इस फ़ोन को लेकर के। ओके, सो बात करता हूँ उसके अंदर जो स्टोरेज दिया गया है, तो इसके अंदर जो रैम रोम दी गई है वो बता देता हूँ आपको। इसके अंदर दो वेरियंट आएंगे, तो दो वेरियंट है इसके अंदर, एक 4GB और एक 6GB, 4GB 64GB और 6GB 128GB, ये दो वेरियंट इसके अंदर डाले गए हैं, और इसके अंदर आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, जो कि डेडिकेटेड स्लॉट भी अलग से दिया गया है। बात करता हूँ उसके अंदर बैटरी की, तो बैटरी जो इसके अंदर दी गई है वो 6000 मिली एम्पीयर की बैटरी दी गई है, जो कि आपकी 10 से 12 घंटे कंटिन्यूसली भी दिया हुआ फ़ोन यूज़ करेंगे तो आराम से चल जाएगी इजीली। वैसे तो 2 दिन का बैटरी बैकअप होता है, कि 6000 एमएएच की मिली एम्पीयर की बैटरी थी, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बैटरी होती है। सो इसके अंदर 6000 एमएएच की बैटरी डाली गई है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ लगी है। यदि बैटरी के अकॉर्डिंग आप जाना चाहते हैं और फ़ोन इसके अकॉर्डिंग आप लेना चाहते हैं, तो ये फ़ोन सबसे लिए बेस्ट रहेगा आपके लिए। बताता हूँ, एंड आउट ऑफ द बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा एंड्रॉयड 10 और One UI 2.0 मिलेगा इसके अंदर। तो प्रोसेसर ठीक ठाक प्रोसेसर है इस प्राइस सेगमेंट में, ये प्रोसेसर आप इस प्रोसेसर को अंदर जा सकते हैं, ये फ़ोन आप खरीद सकते हैं। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग ये फ़ोन अच्छा लगा, मैंने सोचा इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और आपको बताना चाहिए ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं। काफ़ी सारे रिव्यूज़ मैंने भी देखे, काफ़ी सारी अनबॉक्सिंग ऐसी वीडियोज़ बहुत सारी यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ से भी कुछ और देख सकते हैं। यदि आप जाना चाहते हैं इस फ़ोन के रिगार्डिंग, लेना चाहते हैं इस फ़ोन को, तो ये फ़ोन आप परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से ज़रूर करना, शेयर करना फ्रेंड सर्कल में, और चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साइड में बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल कर दीजिएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन गेट टाइम एंड कीप स्माइल, बाय बाय।